कभी गम तो कभी खुशी है जिंदगी, कभी धूप तो कभी छांव है जिंदगी। तो इसी कविता के साथ मैं शेष राज मीणा केवीएस किड जोन के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। बड़ी एक सकारात्मक कविता हमारी जिंदगी पे, और कविता का शीर्षक है कभी धूप कभी छांव। कभी गम तो कभी खुशी है जिंदगी, कभी धूप तो कभी छांव है जिंदगी। विधाता ने जो दिया वो अद्भुत उपहार है जिंदगी। कुदरत ने जो धरती पर बिखेरा वो प्यार है जिंदगी, जिससे हर रोज नए नए सबक मिलते हैं। यथार्थों का अनुभव कराने वाली ऐसी कड़ी है जिंदगी, जिसे कोई ना समझ सके ऐसी पहेली है जिंदगी। कभी तन्हाइयों में हमारी सहेली है जिंदगी, कभी गम तो कभी खुशी है जिंदगी। अपने अपने कर्मों के आधार पर मिलती है जिंदगी, कभी सपनों की भीड़ तो कभी अकेली है जिंदगी। जो समय के साथ बदलती रहे वो संस्कृति है जिंदगी। खट्टी मीठी यादों की स्मृति है जिंदगी, कभी गम तो कभी खुशी है जिंदगी, कभी धूप तो कभी छांव है जिंदगी। कोई ना जानकर भी जान लेता है सब कुछ, ये ऐसी है जिंदगी। तो किसी के लिए उलझी हुई पहेली है जिंदगी, जो हर पल नदी की तरह बहती रहे ऐसी है जिंदगी। जो पल पल चलती रहे ऐसी ही है जिंदगी, कभी धूप तो कभी छांव है जिंदगी। कोई हर परिस्थिति में रो रो कर गुजारता है जिंदगी, तो किसी के लिए गम में भी मुस्कुराने का हौसला है जिंदगी। कभी उगता सूरज तो कभी अंधेरी निशा है जिंदगी। ईश्वर का दिया माँ से मिला अनमोल उपहार है जिंदगी, कभी धूप तो कभी छांव है जिंदगी। तो तुम अब लास्ट में अंतिम चार जो कवि पंक्तियां हैं, इनमें इस कविता का जो है मोरल क्या है, शिक्षा क्या मिलती है, वो इसमें बताया गया है। तो तुम यूं ही ना बिताओ अपनी जिंदगी, दूसरों से हटकर तुम बनाओ अपनी जिंदगी। दुनिया की शोर में न खो जाए ये तेरी जिंदगी, जिंदगी भी तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तुम ऐसी बनाओ ये जिंदगी। कभी गम तो कभी खुशी है जिंदगी, कभी धूप तो कभी छांव है जिंदगी, कभी धूप तो कभी छांव है जिंदगी। बहुत ही जो है अच्छी कविता हमारी जिंदगी पे आधारित, कि जिंदगी में जो है परेशानियां मुसीबतें जो आती रहती हैं, लेकिन वो पल भर के लिए होती हैं, हमेशा के लिए नहीं रहती। वो स्थिरता लाने के लिए नहीं रहती हैं, वो परिस्थितियाँ जो है हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं, और हमें उनसे जो है सबक लेना चाहिए, हमें निरंतर जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही जो है कविता थी, कभी धूप तो कभी छांव है जिंदगी, कभी खुशी तो कभी गम है जिंदगी। ये हमारी कविता थी, बहुत ही अद्भुत कविता। और थैंक यू सो मच, मैं शेषराज आपका शुक्रिया करता हूँ तहे दिल से हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे ऐसा ही कुछ मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल प्रेरणादायक आपके सामने लेकर के। तब तक शुक्रिया, बाय।